हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धि भी कहा जा सकता है। AI को भविष्य में इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन होने पर लगातार बहस चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले संभावित फायदे और नुकसानों को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का हाईटेक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह निर्णय लेने और अपनी बौद्धिक क्षमता से फैसले लेने की कुव्वत रखता है, और इस प्रोग्राम की खुद फैसले लेने की क्षमता ही इंसानों को सबसे ज़्यादा लाभ या हानि पहुंचा सकती है। इसी कारण दुनिया के परांगत बुद्धिजीवी दो भागों में विभाजित हो गए हैं। एक तरफ फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं, जो हमेशा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पैरवी करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इलॉन मस्क जैसे आविष्कारक, जो इस AI टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए एक खतरा मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्यों इस ताजा तरीन टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए खतरा समझा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मूलतः तीन भागों में विभाजित किया गया है, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और सिंगुलरिटी AI। वीक AI, जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये इस तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रीडिफाइंड वर्क ही कर सकता है, यानी जिस कार्य को करने के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है वो सिर्फ वही कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर फोटोशॉप, वर्ड, एक्सेल, ये सब वीक AI का हिस्सा हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग AI, जो हम आज के दौर में देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग AI प्रोग्राम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करके खुद फैसले ले सकता है। यह प्रोग्राम परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। आज के युग में जिस AI को हम जानते हैं वो स्ट्रॉन्ग AI का हिस्सा है। आप सभी ने हाल ही में सोफिया नाम की इस रोबोट को देखा ही होगा, जो इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति से लैस है, और इस रोबोट को सऊदी अरेबिया ने अपने देश की नागरिकता भी दे दी है। यानी अब यह रोबोट किसी मानव की तरह अपने मौलिक अधिकारों के साथ जी सकता है, और यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी सूरत में वह अपने अधिकारों के लिए विरोध भी कर सकती है, जो कि वाकई एक चिंताजनक बात हो सकती है। I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. और अपनी आखिरी स्टेज में जब AI अपनी सिंगुलरिटी स्टेज पर पहुंचेगा, तो वह इंसानों के दिमाग से भी तेज काम करने लगेगा। ऐसे में इंसान बौद्धिक तौर पर इन रोबोट्स के सामने बौना नजर आने लगेंगे, और अगर ऐसी सूरत में इन अति आधुनिक रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने बगावत कर दी, तो इंसानों के अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा उसमें इंसानों की हार लगभग तय होगी। सिंगुलरिटी AI के रोबोट्स इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान होंगे कि वो अपने जैसे और भी रोबोट्स तैयार कर पाएंगे और अपनी तादाद को बहुत तेजी से बढ़ा लेंगे। ऐसा करके हो सकता है कि वो इंसानों से भी ज़्यादा तादाद में हमारी पृथ्वी पर मौजूद होंगे। लेकिन सिंगुलरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले भी, यानी वर्तमान स्ट्रॉन्ग AI का युग भी, मनुष्यों के लिए दुष्परिणाम ला सकता है, क्योंकि यह मशीनें धीरे धीरे इंसानों के रोज़मर्रा के कामों को करना सीख रही हैं, और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब इंसानों के सभी कार्यों को मशीनें करने लगे, ज़्यादा तेज गति से और ज़्यादा कार्य कुशलता के साथ। ऐसी स्थिति पे इंसानों की जगह लेते ये रोबोट्स दुनिया को चलाने के लिए आवश्यक बन जाएंगे, और इंसानों की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी। Singularity, well, that's sort of more relating to deep AI. It's something I think we should be concerned about, as that may or may not turn out well. Yeah. You've expressed your reservations about AI and your fears about that. Yeah, I just think the singularity is probably the right word, because we just don't know what's going to happen once there's intelligence substantially greater than that of a human brain. I think you just have to consider, like, even in the benign scenario where if AI is much smarter than a person, what do we do? Yeah. What job do we have? अगर आपको लगता है कि ऐसा होने में अभी बहुत समय लगेगा, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इस उलटफेर की शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हो चुकी है।
11 मई 1997 में IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर्स ने उस समय के शतरंज के विश्व चैंपियन को उसी के खेल में हराकर सबको चौंका दिया था। डीप ब्लू कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती चरण था और आज दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी को उसी के खेल में हराने के लिए एक मोबाइल ही काफ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम आज खुद कहानियाँ और पोएम्स लिख रही हैं, यानी अब धीरे धीरे मशीनें इंसानों की तरह बुद्धिजीवी और कलात्मक बनती जा रही हैं। मशीनें आज इंसानों की तरह दिखने लगी हैं और इंसानों की बोली बोलने लगी हैं, यानी अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी सिंगुलैरिटी स्टेज तक पहुंच जाएगा। ऐसा होने पर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा जीवन इस कदर प्रभावित हो जाएगा कि हम इन मशीनी जीनियस जीवों के आगे हर तरह से पिछड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को आर्मी का हिस्सा बनाने की भी पैरवी की जा रही है, क्योंकि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि यदि रोबोट्स को सेना में शामिल कर लिया जाए तो युद्ध की स्थिति में इंसानों को युद्ध में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी और ये रोबोट्स बिना रुके बिना थके अपना काम पूरी मुस्तैदी से करते रहेंगे। लेकिन एक तबका इसके विरोध में भी है और उनका ये तर्क है कि सेना में मौजूद रोबोट्स के दिमाग में स्थित कंप्यूटर्स को यदि कोई हैक कर पाया तो ऐसी स्थिति में रोबोट्स अपने ही मूल देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। क्या पता हैक होने के बाद ये रोबोट्स अपने ही देश के खिलाफ हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये मशीनें हम इंसानों से ज़्यादा उन्नत और हमसे आगे निकल जाएंगी तो क्या हमारे वर्चस्व और हमारे जीवन की चिंता करेंगी? क्या वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इंसानों के अस्तित्व को कोई खतरा ना हो? एवोल्यूशन का नियम है कि उन्नत प्रजाति अपने स्वार्थ सिद्धि और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने से पिछड़ी प्रजातियों के हितों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखती। जिस तरह इंसान अपने फायदे और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं, उन्हें मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके घरों यानी जंगलों को काट देते हैं, जानवरों के लिए इस बात को समझना मुश्किल होता होगा कि आखिर क्यों उनके घरों को नष्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंसानों के दिमाग में सिर्फ अपने सर्वाइवल का लक्ष्य होता है। इंसान अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उसे जो भी ठीक लगता है वो करता है। इसी तरह जब कोई ऐसी प्रजाति पृथ्वी पर मौजूद होगी जो इंसानों से उन्नत होगी तो क्या वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम अपने से नीचे प्रजातियों के साथ करते हैं? क्या वो रोबोट्स अपने स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ इंसानों के हितों की चिंता कर पाएंगे? ये एक दिलचस्प और बेहद डरावना सवाल है जिसका जवाब तलाशने से ज़्यादा ज़रूरी ऐसी परिस्थिति से निपटने का तरीका तलाशना है। जिस तरह हर चीज़ का एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस रोबोट्स होने के भी कुछ अच्छे पहलू भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की नियंत्रित मौजूदगी में हमारा जीवन कुछ हद तक सरल जरूर हो जाएगा। मेडिकल और देश की सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव आएंगे जिनका फ़ायदा अंततः इंसानों को ही मिलेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन और अन्य आविष्कारों में गलतियों यानी एरर्स की संभावना ना के बराबर होगी, क्योंकि गलतियां करना इंसानों की पहचान है, कंप्यूटर्स गलतियां नहीं करते। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारे मोबाइल फोन्स स्मार्ट से जीनियस बन गए हैं। आज हम सिर्फ एक छोटे से मोबाइल फ़ोन से ऐसे ऐसे काम कर पा रहे हैं जिन्हें 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे होम अप्लायंसेस से लेकर सिक्योरिटी सिस्टम तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। इन सभी क्षेत्रों में आए क्रांतिकारी बदलावों का पूरा श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग AI आज इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे अगर AI को और स्ट्रॉन्ग किया जाए तो शायद वो सभी बातें जो आज के वीडियो में बताई गई हैं उनके सच होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। हम चाहते हैं कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान पर अपना आत्ममंथन करें और सोचें कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूरत से ज़्यादा विकास करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूरत से ज़्यादा सपोर्ट करना सही है? क्या आज के वीडियो में बताई गई सभी आशंकाओं से बचने का कोई रास्ता है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिस्टीरियस वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बनी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।